नाम रोहन अग्रवाल, उम्र सिर्फ 19 साल और मकसद नागपुर से साइबेरिया तक, वो भी पैदल। ये हैं हमारे नागपुर कर रोहन अग्रवाल। रोहन अग्रवाल का देशातन। वैदिक काल से देशातन को बड़ा महत्व भारतीय सभ्यता और संस्कृति में रहा है। नागपुर के रोहन अग्रवाल ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अध्ययन करने के लिए पैदल देशातन आरंभ किया है। कभी पैदल तो कभी लिफ्ट लेकर, पीठ पर भारी भरकम बैग और जेब में सिर्फ 2,500 रुपए। 25 अगस्त 2020 से उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की। 440 दिन की यात्रा यानी 12 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश का अब तक रोहन ने भ्रमण किया है। रोहन का कहना है कि वो अपने अनुभवों को साझा करना चाहते हैं। उनकी यात्रा का उद्देश्य देश की संस्कृति और सभ्यता को जानना समझना है। रोहन को बचपन से ही कुछ अलग करने की इच्छा थी। वो बचपन से ही भारत भ्रमण की इच्छा रखते थे। उन्हें हमेशा से विभिन्न राज्यों की सभ्यता और संस्कृति जानने की उत्सुकता होती थी, इसीलिए वो पैदल ही यात्रा करना चाहते थे। 440 दिन की यात्रा में 2000 किलोमीटर पैदल और 20,000 किलोमीटर लिफ्ट लेकर उन्होंने विभिन्न राज्यों तक यात्रा की है। वो अभी तक उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, चंडीगढ़, हिमाचल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, गोवा, पुंडिचेरी सहित 12 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश घूम चुके हैं। नागपुर से वाराणसी की यात्रा उन्होंने ट्रेन से की, उसके बाद पैदल निकल पड़े। माता पिता का इसमें काफी विरोध था, लेकिन किसी तरह से उन्होंने उन्हें समझा कर राजी किया। रोहन जब हिमाचल के रास्ते पर थे तब उनके 1,000 रुपए गिर गए। रास्ते से पैसा खत्म होने पर कई जगहों पर वॉलंटियर के रूप में भी उन्होंने काम किया। कभी होटल में काम किया तो कभी हॉस्टल में काम किया, जहां जगह मिलती वहां आराम किया। क्या थी उनकी पूरी कहानी, कैसे की उन्होंने ये यात्रा और क्या करना चाहते हैं वो आगे, इन बातों के लिए आइए रोहन की जुबानी ही उनकी यात्रा के बारे में जानते हैं। हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर स्पेशल सीरीज द रियल हीरोज। हीरोज वैसे तो आप, मैं और हम जैसे हर कोई, हर किसी में एक हीरो हीरोइन की क्वालिटी होती है। हर किसी की ज़िंदगी में एक मकसद होता है, एक सपना होता है। मेरे ज़िंदगी में भी बहुत सारे मकसद हैं, आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे कई मकसद होंगे। हर मकसद को पूरा करने के पीछे बहुत सी कठिनाइयाँ भी झेलनी पड़ती हैं। आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ होंगी, हर्डल्स होंगे, और मेरे तो न जाने इतनी हैं कि मैं गिना भी नहीं सकती। लेकिन उन परेशानियों को चीरते हुए जब हम अपने मकसद तक पहुंचते हैं तो उसकी मिठास ही अलग होती है। आपके ऐसे कई सपने होंगे, पूछूंगी नहीं कौन से, और मेरे भी आप पूछिएगा नहीं कौन से, लेकिन हमारे साथ जो आज शख्स है, जो गेस्ट है, उनका मकसद शायद आप सुनेंगे तो आपको थोड़ा वियर्ड लगेगा, क्योंकि उन्हें भी कई लोगों ने ऐसा कहा। इवन उनके पेरेंट्स ने स्टार्टिंग में ये सोचा कि ये कैसा सपना है तुम्हारा। ही इज जस्ट 19 ईयर ओल्ड। एक छोटी सी लाइन से शुरुआत करना चाहूंगी कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो सभी जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। जिंदगी में कुछ कर गुजरने के लिए निकल पड़े हैं आज के हमारे गेस्ट रोहन अग्रवाल। रोहन बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। रियल हीरोज में इसीलिए रोहन अग्रवाल को कह रही हूँ क्योंकि ये जो मकसद लेकर निकल पड़े हैं ना, इनका मकसद अगर आप सुनेंगे तो आप भी इन्हें हैट्स ऑफ करेंगे। वैसे बहुत सी चीज़ें हम सोचते हैं हमारी ज़िंदगी में करने के लिए, लेकिन इन्होंने जो सोची ना, वो तो मैं ज़िंदगी में शायद कभी ना सोचूं, शायद आप भी सुनेंगे तो आपने कभी सोची नहीं होगी कि ऐसा कुछ करना चाहिए। रोहन अग्रवाल इज जस्ट 19 ईयर ओल्ड एंड ये चल पड़े हैं साइबेरिया, वो भी ऑन फुट। लगा ना शौक,
बहुत बड़ा शौक लगने वाला है। पूरी बातचीत करेंगे, क्या है इनकी जर्नी, क्या है इनका मकसद और क्या करना चाहते हैं और ऐसा ही अजीब सा सपना क्यों लेकर चल पड़े। बात करते हैं रोहन से। रोहन वेरी वार्म वेलकम फिर से एक बार। रोहन सिर्फ 19 साल के हो यार, ये कैसा सपना लेकर क्या सोचा सबसे पहले? तो जब मैंने शुरुआत की थी तब तो साइबेरिया का ख्याल भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम जर्नी पे आए तो हमको समझ में आई यात्रा बहुत ही एक एनरिचिंग और एक बहुत ही सिखाने वाली जर्नी है, तो हमको जरूर करना चाहिए। तब हमको बचपन से एक प्रॉब्लम होती थी, वो थी लाइक मतलब हम ठंडी की जगह पे हम जब भी जाएंगे हमारी नर्व्स ब्लॉक हो जाती है। जैसे अगर हम 10 डिग्री के नीचे भी जाते हैं तो हमको परेशानी होती है। लेकिन एक दिन हम एक टेडेक्स देख रहे थे, टेडेक्स बहुत दुनिया में फेमस है, तो वहाँ पे एक कनाडा के एक शख्सियत थे, वो एक बातचीत कर रहे थे। वो बातचीत में वो बता रहे थे, उनकी बातचीत का नाम है प्रिजन ऑफ द माइंड। उसमें वो बताते हैं कि जब हम पैदा हुए थे तब हर डॉक्टर ने हमको बोला था कि दिस गाय विल बी डेड इन 7 डेज, उनके पेरेंट्स को बताया गया। लेकिन उनने एक चीज बात उसके बाद बोले कि ऑल द डॉक्टर्स हु सेड आई विल बी डेड इन 7 डेज, नाउ ऑल द डॉक्टर्स हु सेड दे आर ऑल डेड आई एम द ओनली डॉक्टर अलाइव। तो वो मेरे को लगा कि वो मतलब मेंटली डिसेबल थे, वो थोड़ा डिसेबल नहीं सॉरी फिजिकली डिसेबल थे, तो दैट्स व्हाई ही सेड लाइक दैट। और अभी वो जिंदा है। अगर मैं सोचा कि अगर वो बंदा वैसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि जो चीज इम्पॉसिबल है तब तक ही है जब तक कोई ने करके नहीं दिखाया। क्योंकि आज तक कोई इंडिया से साइबेरिया वॉकिंग करते हुए नहीं गया, क्योंकि दुनिया की सबसे ठंडी जगह पे आता है वो, -72 उसका टेम्परेचर है, कोई वॉकिंग करते नहीं गए। लेकिन ऐसा उसने एक और चीज बोला कि नेवर लिसन टू अ प्रेडिक्शन विच डजंट एम्पावर यू। मतलब एक कुछ भी प्रेडिक्शन मत सोचिए, एक भी अनुमान कुछ भी मत सोचिए जो आपका एम्पावर, जो आपको पुश नहीं देता है। मेरे को बिल्कुल सच लगा, मैं दिल को सूख गया। तो मैं बोला कि सही है यार, मतलब ये डॉक्टर की बात कभी नहीं सुनना चाहिए। मतलब हो सकता है प्रेडिक्शन हो सकता है वो रियल ना हो। तो उसी वजह से मेरे को भी लगा कि मेरे को भी साइबेरिया जाना चाहिए, अपनी जितने भी चैलेंजेस है उसको तबाह करके, उसको जितने भी प्रेडिक्शन है उसको झूठला बता के मेरे को जाना चाहिए साइबेरिया। तो इस मकसद से मैं भी निकला हूँ अभी साइबेरिया की ओर। ओके रोहन, बचपन से हमेशा हमें जब हम जब छोटे होते हैं तो हमें बड़े पूछते हैं कि तुम क्या बनना चाहते हो बड़े होके। तुम भी बचपन में, तुम्हें जब पेरेंट्स पूछते थे और बड़े लोग कहते क्या कहते थे, क्या बनना चाहते थे? बचपन में तो बहुत ख्वाहिश थी, कभी क्रिकेटर बनने की, कभी फुटबॉलर बनने की, फिर आर्मी में बनने की सोच थी। लेकिन धीरे धीरे मतलब मेरा जो ख्याल थे बचपन से वो कल्चर, रिलीजन और लैंग्वेजेस इसके प्रति बहुत ज्यादा थे, वो तो था ही। तो धीरे धीरे मैं एक चीज समझा कि हर रिलीजन में ट्रैवल एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है, बहुत एक अंदरूनी पार्ट है। अगर आप देखोगे हिंदुइज्म में तो राम ट्रैवल करते थे और बहुत सारे अलग अलग भगवान, साथ ही अगर इस्लाम में देखोगे तो प्रॉफिट मोहम्मद भी ट्रैवल करते थे, साथ ही अगर क्रिश्चियनिटी देखोगे तो जीजस ट्रैवल करते थे, बुद्धिज्म में बुद्धा थे, आदि शंकराचार्य, विवेकानंद और बहुत महान लोग ट्रैवल करते थे। और साथ ही अगर आप इंडिया में देखोगे 4 सीक्रेट धाम है, जो कि बद्रीनाथ जो कि नॉर्थ इंडिया में, ईस्ट वेस्ट इंडिया में द्वारका है, ईस्ट इंडिया में पुरी है और साउथ इंडिया में रामेश्वरम है। अगर आप कोई इंसान बस ये 4 जगह वॉकिंग करके घूम ले पूरे इंडिया को घूम लेगा। तो पहले के जीवन में ऐसे ही करते थे लोग, ऐसे ही जीवन अपनाते थे, आजकल के जीवन में ऐसा नहीं अपनाते, इसलिए लोगों को उसका महत्व नहीं मालूम है। पहले के जब मैं अपने इंडिया के कल्चर में आपको बताना चाहूँगा मैं बहुत ही स्पेशल चीज़ की, पहले के दुनिया जिंदगी में, पहले के इंडिया में लोग घर ऐसे बनाते थे कि वहाँ पे वरांडा रहता था और वरांडे में कोई भी सो सकता था, जो कि कोई पूछेगा भी नहीं इसको क्वेश्चन, और अगले दिन जब वो उठेंगे उनको खाना भी दिया जाएगा। अभी भी ऐसे बहुत सारे गाँव है महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, केरला में और तमिलनाडु में, जो मैंने देखा अपनी आंखों से, जो कि वहाँ पे बहुत अच्छी से खातिरदारी की जाती है, इंडियन कल्चर का पूरा दर्शाया जाता है। और साथ ही अगर आप देखोगे कि राजा रानी हर की स्टोरी में कोई ना कोई एक ट्रैवल इंक्लूडेड है। अगर आप घर से अपने ऑफिस जाते हो, घर से कहीं पर भी जाते हो, एक्सपीरियंस करते हो, व्हाट इज एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस इज लर्निंग, एंड व्हाट इज लर्निंग, लर्निंग इज ट्रैवल, सो ट्रैवल इज अ सिनोनिम ऑफ लर्निंग। तो जब मैं को ये समझा तो मेरे को भी लगा कि मेरे को यात्रा करनी चाहिए, मेरे को भी ऐसे घूमना चाहिए। और गुरुकुल का जो मेथड था उसने मेरे को पूछ दिया, गुरुकुल का मतलब होता है गुरु मीन्स टीचर, कुल मीन्स होम, गुरु के घर में पढ़ाई करना उसका मतलब होता था। तो पहले के जमाने में, एंशिएंट इंडिया में बोल रहा हूँ, अभी के गुरुकुल तो बहुत अलग है, लेकिन पहले के गुरुकुल ऐसे होते थे कि जहाँ पे शिष्य अपने गुरु के पास जाता था, वहाँ पे पढ़ाई करता था और सब चीज़ सीखता था, मतलब साइंस से लेकर, मैथ से लेकर, बहुत अन्य चीज़ें, प्रैक्टिकल चीज़ें। और आजकल की जीवन में जो स्टडी होती है वो प्रैक्टिकल मेरे को लगता है कम होती है। जब मेरे को रियलाइज हुआ, और एक करिकुलम है आजकल की जीवन में, तो करिकुलम के साथ अब तक क्या आता है, एक लिमिट आता है, और इंसानी दिमाग को कभी लिमिट करना बहुत गलत चीज है, क्योंकि 100 साल पहले जो इम्पॉसिबल था और जो पॉसिबल है, मतलब जो आइंस्टाइन को जो लोग पागल बोलते थे
वो आज उसको महान शख्सियत बोलते हैं, क्योंकि वो इम्पॉसिबल था तब तक, क्योंकि इंसान का दिमाग क्या है कि जब तक उसको कुछ चीज दिखती नहीं है, जब तक उसको सामने आती नहीं है, प्रूफ नहीं होती है, तब तक वो उसको पागल इम्पॉसिबल ऐसे बोलते हैं। लेकिन ऐसा जरूर थोड़ा है, वो आपके माइंड को सेटिस्फाई तब नहीं करे, लेकिन हो सकता है जब वो प्रूव हो जाए तब सेटिस्फाई करे। तो जब मैं कोई समझा, लेकिन गुरुकुल का जो प्रोसीजर है उसको प्रमोट करता है, वो बियॉन्ड लिमिट थिंकिंग, लिमिटलेस थिंकिंग को प्रमोट करता है। जब मैं कोई समझा तो मेरे को लगा कि मेरे को यात्रा में जाना चाहिए। तो मेरे को लगा कि मैं कैसे गुरुकुल को ज्वाइन कर सकता हूँ, लेकिन मैं गुरुकुल को ज्वाइन नहीं कर सकता था क्योंकि मैं 18 साल का हो चुका था। तो तब वो एक मेरे को समझा कि एक यात्रा करते थे, उसको देशांतरा बोलते थे। तो देशांतरा, देशांतरम, देशांतन ऐसा बोलते हैं। तो यात्रा में वॉकिंग करते थे, विदाउट मनी ट्रेवल करते थे, साथ ही अपने कल्चर को, लैंग्वेजेस को, अलग अलग धर्म को, और अपना जो पर्सपेक्टिव उसको ब्रॉडन करने के लिए वो भारत की यात्रा करते थे। साथ ही वो इसलिए भी घूमते थे कि एक अच्छा इंसान बने, और जो भी वो सीखते थे लोगों से उसको ही लोगों को बांटने में उनका अच्छा लगता था, तो इसीलिए वो यात्रा करते थे। और उसी मकसद से मैं भी यात्रा कर रहा हूँ, बहुत थोड़ा बहुत सिमिलर है, बस थोड़ा बहुत लिफ्ट भी लेता हूँ मैं जब भी थक जाता हूँ। साथ ही जैसे वो बेयर फुट वॉक करते थे, मैं शूज के साथ वॉक करता हूँ, क्योंकि आजकल के जीवन में जो समान रोड रहते थे वो नहीं है, पहले मिट्टी के रोड रहते थे, आजकल के डामर और सीमेंट के, उस पर वॉकिंग करना थोड़ा मुश्किल है। तो बहुत सी चीज़ें थोड़ी बहुत चेंज करके, बहुत बहुत सिमिलर सा एक्सपीरियंस लेके मैं गुरुकुल की यात्रा पे चल पड़ा हूँ। साथ ही लोगों को इंसानियत जिंदा है, भाईचारा, उसका संदेश देता हूँ, क्योंकि मैंने जब अपनी लोकेलिटी में था तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे मीडिया भी है बहुत सारी अलग अलग, वो नेगेटिव न्यूज़ बहुत शेयर करती है। साथ ही बहुत सारे लोगों को लगता है अभी भी कि एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं, उन्हें लगता है सेक्सुअल हैरेस किया जाएगा, आपको चोरी किया जाएगा, लोग ऑन द मैटर्स ऑफ रिलीजन, लैंग्वेजेस, कल्चर आपको जज करेंगे, इवन ऑन द प्रोफाइल ऑफ जॉब प्रोफाइल के ऊपर भी आपको जज करेंगे। साथ ही आपको गिव एंड टेक, हर चीज़ गिव एंड टेक है लोगों को लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर हर चीज़ गिव एंड टेक रहती तो मेरी यात्रा अभी तक सक्सेसफुल नहीं रहती, मेरे को बंद करना पड़ता अपनी यात्रा। लोगों की जो इंसानियत है, तब से मैं बिलीव कि ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट, डेफिनेटली देयर इज नथिंग कांस्टेंट इन माय जर्नी। एक ही चीज़ जो कांस्टेंट है उसको बोलते हैं ह्यूमैनिटी। अगर इंसानियत नहीं रहती तो मैं अभी तक मेरी यात्रा बंद हो जाती, ख़त्म हो जाती। बस इंसानियत ही है जो ये मेरी जो जर्नी है उसको फ्यूल कर रही है, जो एक ये गाड़ी है जो मैं इंसान हूँ, वो गाड़ी को बस इंसानियत ही एक चीज़ है जो फ्यूल कर रही है, उसके बिना कुछ नहीं है। तो जब मैं यात्रा किया, जब मैं यात्रा के फेज़ में था, तो मैंने एक और चीज़ नोटिस किया कि प्लास्टिक एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पूरे दुनिया में, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में। तो लोगों को ये नहीं मालूम कि इसको रिड्यूस कैसे कर सकते, उसको ऑल्टरनेटिव्स क्या है, उसको कैसे रीयूज कर सकते हैं। तब जब मेरे को ये समझा तो मेरे को लगा कि लोगों को एजुकेट करना चाहिए, तो मैंने भी रिसर्च किया उसके बारे में, और मैंने बहुत डीप रिसर्च किया और लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। जहाँ पे मैं गाँव में जाता हूँ, सिटी में जाता हूँ, स्पीच देता हूँ, स्कूल में जाता हूँ, उनको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे कम से कम प्लास्टिक का यूज़ करें, क्योंकि प्लास्टिक को एलिमिनेट करना बहुत मुश्किल है, उसको एकदम बंद करना, क्योंकि प्लास्टिक इज द चीपेस्ट ऑल्टरनेटिव ऑफ एनीथिंग। तो अगर कोई भी पैकिंग करना है लोग प्लास्टिक यूज करेंगे, क्योंकि अपन कंपनी को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ पे डिमांड है वहाँ पे सप्लाई होगा, ये कॉमर्स में बेसिक है। तो लेकिन अपन अगर अपन खुद ही कम कर दे, एक इंडिविजुअल लेवल पर अगर बंद करना चालू किए, बहुत कुछ हो जाएंगे, क्योंकि कुछ कुछ से बहुत कुछ होता है। अगर बहुत कुछ करने जाए, जैसे पॉलिटिशियन करते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते, अगर आप कुछ कुछ करेंगे तभी बहुत कुछ होता है, ये मैं साबित करना चाहता हूँ लोगों को। और साथ ही क्लीनअप्स भी ऑर्गेनाइज करता हूँ, जब भी मैं इंडिया भर जाता हूँ मैं बहुत सारे क्लीनअप्स ऑर्गेनाइज कराता हूँ और लोगों को सजग करने की कोशिश करता हूँ। बढ़िया, ओ माय गॉड, इतनी सी उम्र में इतने उच्च विचार हैं रोहन के, कि इतना इंस्पायर करोगे कि आगे जाके तुम सच में बहुत अच्छा करने वाले हो रोहन। लेकिन कहते हैं ना कि हमारी शुरुआती चीज है ना, जैसे तुमने जो सपना लिया, तुमने जो मकसद के आगे बढ़े, वो बहुत डिफिकल्ट रहा होगा, बिकॉज ये चीज किसी समझाना, स्पेशली खासकर पेरेंट्स को समझाना। लास्ट ईयर शुरू किया था, कब से शुरुआत की तुमने? मेरी शुरुआत हुई थी 25 अगस्त 2020 को, वाराणसी से मैंने शुरुआत की थी। वाराणसी से पवित्र धरती पे, साथ ही गंगा में डुबकी लगाकर हमने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। ओके, सो पेरेंट्स को किस तरह कन्विंस किया? पेरेंट्स ने तो बहुत नानुकुर की होगी साथ में, मतलब स्टार्टिंग में तो समझे नहीं, लेकिन धीरे धीरे वो समझने लगे। और मैं ये मानता हूँ कि जो ट्विंस भी पैदा होते हैं उनकी सोच एक समान नहीं होती है, तो एक पेरेंट्स और एक उनके उनके सन और डॉटर, उनकी सोच बिल्कुल सेम रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो एक अलग सदी में पैदा हुए हैं, अलग उनके पर्सपेक्टिव, अलग लोगों से मिले हैं, अलग उनके एनवायरनमेंट रहा है, तो जो पर्सपेक्टिव, उनका जो सोच है एकदम सेम नहीं हो सकता है। तो मैं ये मानता हूँ, तो इट्स ओके कि अलग अलग सोच भी हमारी रही, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन इंडिया आई बिलीव कि लोग को लगता है कि वी सी पेरेंट्स एज गॉडली फिगर्स, बट दे आर नॉट। वो भी एक इंसान है, वो भी अलग अलग सोच रख सकते हैं, वो एकदम अगर भगवान बन गए तो इन धरती पे नहीं रह सकते,
तो वही बात है. वेल दे आर मोर प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स पेरेंट्स एंड आई थिंक कि बीइंग अ पेरेंट मुझे ये लगता है कि बच्चे बहुत सारी ख्वाहिशें करते हैं बट उनकी किस ख्वाहिश को पूरा करना है ये पेरेंट्स बहुत सोच समझ के करते हैं बिकॉज दे नेवर वांट कि हमारा जो बच्चा है वो तकलीफों से चीज़ों को पूरा करे. उन्हें प्रोटेक्टिव उन्हें सिक्योरिटी देना पेरेंट्स का एक अलग ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. जब तुमने शुरुआत करी क्योंकि ट्रैवलिंग इज एक आज की जनरेशन का बहुत बड़ा एक पैशन है. पीपल किड्स वांट टू ट्रैवल राइट बट तुम्हारा ट्रैवलिंग बहुत अलग था राइट. तुम बिना किसी साधन के चलना चाहते थे. तुम एकदम बस वॉक करना चाहते थे. तुम बस निकल पड़ना चाहते थे. तो इस तरह स्टार्टिंग में पेरेंट्स ने तुम्हें हामी भरी नहीं थी कि हाँ हम चलते हैं तुम्हारे साथ रोहन थोड़े दिन तो हम चल लेते हैं देख लेते हैं ऐसा कुछ हुआ? मतलब बीच बीच में तो बोलते थे कि हम आ जाते इधर आ जाते. बोला नहीं हमको अकेले रहने दीजिए हम सीखेंगे. क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि अगर डिफिकल्टी अगर टकराव नहीं मिला तो सीखने को कम मिलता है. अगर आपको जब भी टकराव मिलेगा आपको डिफिकल्टी आएंगी आपको सीखने को ज़्यादा मिलेगा. इसलिए मैं ये अपनी जो लोनली वॉक है लोनली रोड पे वॉक कर रहा हूँ और जो भी सीखने को मिलता है लोग सिखाते हैं. मैं बोलता हूँ कि रोड इज माई यूनिवर्सिटी द पीपल एंड द नेचर हु कम अक्रॉस टू मी एक्ट एज माई नेचुरल टीचर्स. तो नेचर और लोग उनसे ही मैं अपनी यात्रा से सीखता हूँ और आगे बढ़ता हूँ. बट रोहन जिंदगी चलने के लिए कहीं भी ट्रैवल करने के लिए व्हाट यू नीड इज मनी. यस वो बहुत इंपॉर्टेंट. कितना लेकर चले थे तुम स्टार्टिंग? जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी जब 2500 रुपए से शुरुआत की थी. अच्छा 2500 रुपए से तो 1000 चोरी हुए कि गिर गए मालूम नहीं. लेकिन उसके बाद इंसानियत पे मैंने भरोसा रखा और इंसानियत ने मेरी बहुत मदद की है. लेकिन मैंने एक चीज पहले से अपनी जर्नी से स्टार्ट कर ली थी. एक नियम बनाया था कि मैं किसी से कुछ मांगूंगा नहीं और किसी को कुछ मना करूंगा नहीं. क्योंकि किसी से अगर मांगना है तो गलत हो जाएगा और कोई किसी मेरे को कुछ दे रहा है उसको डिनाई करना भी गलत हो जाएगा. क्योंकि कोई भी कुछ मेरे को दे रहा है उसके प्यार दर्शाने का प्यार बयां करने का एक तरीका है. क्योंकि प्यार एक किस और एक हक से बयां नहीं कर सकता. बहुत अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है. तो उसी तरीके से मैं भी जो कोई भी देता है मैं उसे मना नहीं करता हूँ और किसी से कुछ मांगता नहीं हूँ. तो समझ लीजिए कोई मदद नहीं करते हमारी अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है तो मैं क्या करते कोई भी ढाबे पर जाते हैं कहीं पर भी जाते हैं वहाँ पर वॉलेंटियर करते हैं. हमको उनको बोलते हैं कि आपकी जो भी मदद कर सकते हैं हम आपकी मदद कर देंगे. उसके बदले में आपको जो भी लगता है सही लगता है आप मेरे को इन रिटर्न दे सकते हो. तो वैसे हम अपनी जर्नी में करते हैं बहुत बार करते हैं. हमने डॉग शेल्टर से लेकर हमने कैफे में कुकिंग भी की है जबकि कुकिंग नहीं आती थी सीख गए अब तो. बाकी हमने जैसे कैफे में कंस्ट्रक्शन करने का भी काम किया है. हमने बहुत सारे होटल मैनेज किए हॉस्टल मैनेज किए. एक बार फार्मिंग पे बहुत सारी किए बहुत अलग अलग जगहों पे. साथ ही एक बार इंग्लिश भी टीच किया है तमिलनाडु के एक स्कूल में. बहुत सारे काम किए है उससे हमको सीखने को भी मिलता है. हम काम को काम के हिसाब से नहीं देखते हम काम को एक लर्निंग एक्सपीरियंस के समान देखते हैं. तो इसके लिए हम ज्यादा सीखने का प्रयास भी करते हैं. बहुत सारे लैंग्वेज भी हम साउथ इंडिया में सीखे तमिल मलयालम कन्नड़ भी थोड़ी बहुत आ जाती है. साथ ही पंजाबी और उत्तराखंड की एक लैंग्वेज गढ़वाली होती है वो भी थोड़ी बहुत समझ में आई जाती है आजकल. कितना ट्रैवल किया है अब तक? अभी तक हमारे 12 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरीज हो चुके हैं. लव यू दीपिका बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन मेरी फेवरेट डिश पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट साथ ही यहाँ कैंपस इंटरव्यू गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट एक्सपर्ट फैकल्टी पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy 365 Gandhinagar LAD College Square beside Karnataka बैंक नागपुर. सो कितना पीरियड ऑफ टाइम रहता है मतलब तुम कितना कंटिन्यूस चलते हो कितना स्टे करते हो क्या प्रोसीजर है पूरा? ऐसा कुछ मेन ऐसा कुछ प्लान नहीं रहता है क्योंकि आई बिलीव कि विद प्लान देयर कम्स अ एक्सपेक्टेशन. तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर अपन प्लान करेंगे अपन रिसर्च करेंगे और एक एक्सपेक्ट करेंगे और नॉर्मली क्या होता है कि एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होती है अपन लोअर एक्सपेक्ट हो जाता है.
क्योंकि अगर आप एक्सपेक्ट लोअर होता है तो आप अनहैप्पी होते हैं, अगर एक्सपेक्टेशन मीट भी हो जाती है तो आप ओके रहते हैं क्योंकि आपको मालूम है कि इतना ही होने वाला है। अगर आपके साथ जो एक्सपेक्टेशन है ओवर एक्सपेक्टेड होता है जिसका चांस बहुत कम है क्योंकि आप पूरा रिसर्च करते हैं तो एक एक्सपेक्टेड चीज ही होंगी, नहीं तो उससे कम होंगी, उससे ज्यादा होना बहुत मुश्किल है। तो जब भी ओवर एक्सपेक्ट होता है तब ही अपन हैप्पी रहते हैं। तो अगर अपन एकदम स्पॉन्टेनियस रहेंगे, एकदम अपन कुछ प्लान करके नहीं चलेंगे तो आपके साथ जो भी होगा आप उसके लिए ग्रेटफुल रहेंगे, एकदम हैप्पी रहेंगे कि अब एक्सपेक्टेड था ही नहीं, हरदम उसके लिए हैप्पी रहेंगे। तो इसलिए मैं कोई प्लान नहीं बनाता हूँ, जैसा होता है वैसा चलता है। फर्स्ट टाइम जब ट्रैवल शुरू किया था वाराणसी से तो पहली बार कहाँ गए थे? हम वाराणसी के बाद हम प्रयागराज गए थे, उसके बाद कानपुर, औरैया, आगरा। कितना समय लगा? क्योंकि स्टार्टिंग में तो समय लगा होगा, अब तो तुम हैबिचुअल हो गए होंगे, कितना चलते हो, चल चल के जहाँ निकले बस चल पड़े। हम सोचते हैं गाड़ी है नहीं है, मैं सोचती गाड़ी है चलूंगी, नहीं तो नहीं चलूंगी, वॉकिंग सिर्फ मैं हेल्थ के लिए करती हूँ। तो जब तुम चल पड़े तो कितना समय लगा स्टार्टिंग में? इतना मुश्किल था लेकिन तभी मुश्किल नहीं था, मतलब जैसे बातें करने में मुश्किलात होती है, अभी तो बहुत फ्लुएंट बन गए, पहले हम इंट्रोवर्ट थे बहुत खतरनाक वाले, मतलब बहुत एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट थे, हमको मतलब बातचीत करने में बहुत मुश्किल होता था, मतलब एक किसी भैया को बात भी करना, एक डायरेक्शन भी पूछना तो बहुत मुश्किल था। अभी तो बहुत एक्सट्रोवर्ट हो गए हम, लेकिन पहले नहीं थे। तो तब मुश्किलात तो आई थी लेकिन इतनी भी नहीं थी। तो जैसे हम गए थे हाईवे पे, चले गए वॉक करके 21 किलोमीटर वाराणसी के बाद, तो एक भैया हमको मिले, उनने हमको लिफ्ट दे दिए, ऐसे चलते रहे सफर, थोड़ा चले थोड़ा लिफ्ट मिला, ऐसा चलते रहा है सफर। अच्छा ओके, सो रात में चलते हो या फिर रात में हॉल्ट लेते हो, ऐसा क्या? मतलब हम कोशिश करते हैं कि अगर रात हो रही है, अगर समझ लीजिए हमको मालूम है कि हम एक जगह पे हमारा कुछ रुकने का है तो हम वहाँ पे रुक जाते हैं, अगर नहीं होता है तो सामने जाते हैं, वहाँ पे कोशिश करते हैं, अगर वहाँ पे भी नहीं होता है तो हम वहाँ पे कुछ कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ मिल जाता है। ऐसे हम बहुत जगह पे रुके, टेंपल में रुके, मस्जिद में रुके, चर्च में रुके, आश्रम में रुके हैं, पुलिस स्टेशन में रुके हैं, एम्बुलेंस में भी रुके हैं, हॉस्पिटल में रुके हैं, रेस्टोरेंट में रुके हैं, हम जो वरांडा होते हैं लोगों के वहाँ पे रुके हैं, हम खेलते जो कॉर्पोरेट ऑफिस होते हैं जब रात को शट हो जाते हैं उसके बाद अपना जो स्लीपिंग बैग है वो लगा के सोते हैं, बहुत बार हम अपना ये रेस्ट जो अपना फुटबॉल स्टेडियम होता है, क्रिकेट स्टेडियम होता है, वहाँ पे भी सोए, हमको लोगों ने बहुत अपने घरों पे भी बुलाया है, 5 स्टार से 1 स्टार होटल पे भी लोगों ने इनवाइट किया है, तो हम वहाँ पे भी गए, बहुत जगह सोए, मत हम जहाँ पे भी एक पनाह मिल जाती है हमको लिए बहुत है, हमारे लिए एक छत बहुत है, हर लोगों के लिए अलग अलग होता है कम्फर्ट लेवल, हमारे लिए बस एक छत एक कम्फर्ट लेवल है। क्योंकि तुम्हारा जो फोकस है वो है तुम्हारा मकसद। तो जब ट्रैवल करते हैं और इतनी सारी जगहों पर तुम जाते हो तो देर आर सो मैनी हर्डल्स, राइट? कभी तुम्हें खाना मिलता होगा, कभी शायद तुमने ऐसी कई रातें गुजारी होगी जहाँ तुम्हें खाना नहीं मिला होगा, क्या ऐसा कभी एक्सपीरियंस हुआ? बिल्कुल हुआ है, हम मतलब 30 घंटे तक भूखा रह चुके हैं। तिरुपति में हमको एक याद आता है, एक दिन था जिस दिन हम 30 घंटे तक खाना नहीं मिल पाया। तिरुपति में एक्चुअली खाना बहुत मिलता है लेकिन उस दिन जब हम कोरोना में गए थे तो हर जगह खाना नहीं मिल पाया था। तो हम तिरुपति में शुरुआती एक दिन था तो 8 बजे हमारे होस्ट ने हम जिसके रुके थे उन्हें हमको छोड़ दिए, तो 8 बजे के बाद हम निकले सफर में तिरुपति, ये बहुत जगह गए, बहुत परेशानी भी झेलना पड़ा क्योंकि लैंग्वेज के कारण, तब हम एकदम स्टार्ट किए थे आंध्र प्रदेश में तो हमको लैंग्वेज का थोड़ा दिक्कत हो रहा था, तब हमको लैंग्वेज कुछ भी नहीं मालूम था, साउथ इंडिया के रूल्स नहीं मालूम थे कैसे वहाँ पे टेम्पल में रहते हैं। तो एक जगह मंदिर में चले गए फोन लेके, जबकि चेकिंग भी हुई हमारी लेकिन सब चीज़ वो बोलते कि तेलुगु में लिखा था तो वहाँ पे लिखा था कि फ़ोन ले जाना प्रोहिबिटेड है, जबकि उन्हें चेकिंग भी किया लेकिन फिर हम गलती से कॉल आया तो हम कॉल उठाने लेके गए तो हमको उन्हें पकड़े, बोले कि आप फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते हैं, अपने ऑफिस में लेके गए, तो हमको लैंग्वेज समझता नहीं था क्या बात करें, कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद 4 घंटे तक हम वहाँ पे रहे, एक फिर उन्होंने एक मुंबई के एक काम किए थे वहाँ पे, एक भाई जो मतलब तेलुगु ही थे लेकिन उन्होंने मुंबई में काम किए थे तो थोड़ी बहुत हिंदी आती थी, तो हिंदी बातचीत की उनसे, लेकिन मेरे को लगता है कि जितनी उनको हिंदी आती थी बहुत गलत आती थी, तो क्योंकि जब उनने हिंदी हमसे बातचीत की है तब उनने हमको रेसिप्रोकेट जब उनने की अपने हायर ऑफिसर्स को तो मेरे को लगता है कि और गुस्सा हो गए थे, तो मेरे को लगा कि इनसे बातचीत करना तो और खतरनाक है हमारे लिए, तो हमने उनसे बातचीत नहीं की और, लेकिन 4 घंटे के बाद एक मतलब माफीनामा लिख के, जबकि वो गलती थी नहीं, तब माफीनामा लिख के हम चले गए बाहर, खाना तो नहीं मिला तब भी, उसके बाद हम कंटिन्यू करें जर्नी। रात हो गई, रात में हमारे जो दोस्त जो हम जिनके रुके थे वो अपने खेत से वापस आए, जब खेत से वापस आए तब उनने हमसे कुछ खाना पूछे नहीं, उनको लगा शायद कि हमने खाना खा चुका है, और जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी जर्नी में मैंने एक रूल बनाया कि मैं किसी कुछ मांगूंगा नहीं, तो मैंने उस दिन भी मांगा नहीं। अगले दिन जब उठा तब उनने बोले कि आप ऊपर तक जाइए, आधी सीढ़ी मतलब तिरुपति में, तिरुपति नीचे में है, तिरुमाला ऊपर में है जो टेम्पल है, तो तिरुमाला जाने के लिए 3000 सीढ़ी चढ़ना पड़ता है आपको, तो 1500 सीढ़ी पे उन्होंने हमको बोले कि आपको खाना मिल सकता है। हम 1500 सीढ़ी तक गए,
उसी आस पे कि हमको खाना मिल सके, लेकिन खाना नहीं मिल पाया वहाँ पे। बोले कि कोरोना के कारण खाना नहीं मिल पाएगा। तो हमारी पूरी जितनी भी हिम्मत थी सब टूट गई और हम सोचे कि अब क्या कर सकते हैं। तो मैं रोया एक तो, लेकिन मैं बोला कि रोहन रोने से कुछ नहीं होगा, ऊपर जाना ही पड़ेगा। तो हम ऊपर गए, 3,000 सीढ़ी क्रॉस किए। 3,000 सीढ़ी क्रॉस करने के बाद 3-4 घंटे और लगे, तो 25-26 घंटे हो गए थे। तब मैंने लोगों से पूछा कि भैया यहाँ पे खाना मिल सकता है, तो मतलब कहाँ पे भंडारा लगता है बताइए हमको। वो बोले कि अभी तो आपकी किस्मत आज बहुत ख़राब है। मौला ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? वो बोलते कि इसका रीज़न ये है कि आज रामनाथ कोविंद जी आए जो कि प्रेसिडेंट है इंडिया के, तो वो उनके आने के कारण आपको 4 घंटे तक अभी अंदर जाने का मौका नहीं मिल सकता है। तब हमको तो हमारा सदमा सा लग गया, मतलब हम बोले कि अब 26 घंटे हो चुके हैं, अभी भी इतना चढ़ने के बाद 30-1 किलोमीटर मतलब नीचे और हाइकिंग भी करने के बाद खाना नहीं मिलेगा। लेकिन तब भी हम स्टेबल थे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ। उसके बाद 4 घंटे के बाद जब गेट खुले, जब हम रश किए और खाना खाने के लिए गए, और वो खाना आज तक का सबसे मीठा खाना है मेरा। मैंने 5 स्टार में भी होटल खाया है, लेकिन उतना अच्छा खाना अभी तक नहीं मिला। वो कहते हैं ना कि उसकी मिठास अलग होती है, बट ऐसे में मेडिकल इमरजेंसी भी तो गई होती होगी रोहन, बिकॉज इतनी देर तक तुम्हारी बॉडी डिहाइड्रेट रही, एंड दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू ट्रैक एंड टू ट्रैवल, बिकॉज अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होती है तो यू कैन इवन वॉक, राइट? सो ये कैसा हुआ? एक बार मेरे को याद है कि मैं एक सिलसिला बताना चाहूंगा, वो था मैंगलोर का। मैं आ रहा था तमिलनाडु का, एक बहुत ठंड जगह है उसका नाम है ऊटी। ऊटी तमिलनाडु में बहुत फेमस जगह है साउथ इंडिया का। तो वहाँ से मैं आ रहा था मैंगलोर की तरफ, तो वहाँ पे ठंडी का वातावरण था जितना भी अंदर का तमिलनाडु और कर्नाटका की जगह थी, क्योंकि जंगल है और पहाड़ है। लेकिन जब मैं तट के पास आया जो कि मैंगलोर का तट था अरेबियन सी का, तो वहाँ पे गर्मी बहुत है और इतनी गर्मी थी, इतनी और धूप नहीं थी वहाँ पे। वहाँ पे जो हवा थी वो एक अलग ही प्रकार की थी, जो कि मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को मतलब सिर घूम रहा है, और धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि मेरे को हीट स्ट्रोक आ गया। और वो हीट स्ट्रोक आने के बाद जब तक मैं गोवा में पहुंचा, मेरा हालत इतना ख़राब हो गया कि मैं चल भी नहीं पा रहा, मेरा सर घूम रहा था। तब लेकिन बहुत लोगों ने मदद किया, और एक कनाडा की एक इंसान थी, एक औरत थी, बहुत बूढ़े थे वो, उनने हमको अपना घर दिया। वो कोरोना की सिचुएशन में जब सेकेंड वेव आ रही थी, तब तो उन्हें अपने घर में हमको जगह दी, पना दी, जबकि उनके जो हाउस ओनर थे जो इंडियन थे वो भी मना कर रहे थे कि इनको मत रोकिए, आपको कोरोना हो सकता है। लेकिन उनने अपना जो इंसानियत है वो बरकरार रखा और हमारी मदद की। एक कनाडा की वुमेन एक दूसरे देश के इंसान पर, जो कि पहचान जान ना पहचान, लेकिन मेहमान बना लिया हमें, तो वही बात हुई। दिस एक्चुअली प्रूव्स कि यस ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट। बिल्कुल। कोरोना काल में कोरोना ने पकड़ा कि नहीं पकड़ा? अभी तक तो हमने 8 से 9 टेस्ट कर लिए, बस एक भी पॉजिटिव नहीं आया है। साथ ही एक वैक्सीन भी ले चुके हैं। बाकी हमको लगता नहीं कि हमको कोरोना हो भी सकता है, मे बी बिकॉज वो आके निकल गया, बिकॉज वी डोंट टेस्ट, बिकॉज एवरीडे टेस्ट करना तो इम्पॉसिबल है ना। मेरे को तो लगता है कि पूरे भारत में कोरोना हो चुका होगा, लेकिन टेस्ट हुआ नहीं है, तो अब कैसे मालूम पड़े एक्चुअली। सो इतने सारे सीजन हैं, रेनी सीजन है, विंटर है, एंड दिस इज द मोस्ट बिगेस्ट हर्डल, राइट? तो ये कैसे क्रॉस किया? तो जैसे अभी क्या होता है कि ठंडी के सीज़न में उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, लाइक होता है अगर एकदम ठंडी जगह में आते हैं, जैसे मैंने बताया मेरे ब्लॉक हो जाते हैं, तो उसमें भी प्रॉब्लम है। गर्मी के सीज़न में चलने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आपका प्यास का दिक्कत हो जाता है, पानी का दिक्कत हो जाता है। और लेकिन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो बारिश के सीज़न में होता है, क्योंकि बारिश में आप दिन भर पानी में रहते हो, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होता है, खासकर साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, और मैं बारिश के सीज़न में ही साउथ इंडिया में था। तो मैं क्या करता था, जब भी बारिश, मेरे को पता है प्रेडिक्शन में देख लेता था गूगल पे, जब भी 7 दिन लगातार कोई होती थी, मैं कोई भी एक आश्रम पकड़ता था, वहाँ पे मैं रुक जाता था, वहाँ पे सेवा करता था और 7 दिन रुक जाता था। तो ऐसे हम रुकते थे, क्योंकि पहले के ज़माने में भी जब साधु संत ट्रैवल करते थे, वो भी यही एक तकनीक अपनाते थे कि बारिश के सीज़न में कहीं रुक जाए, अपना तंबू गाड़ ले, उसके आगे फिर जब दूसरा सीज़न चलता था तब आगे चले। काफ़ी ट्रैकिंग यूथ का काफ़ी ग्रुप अब बन चुका है, एंड पीपल आर एक्चुअली ऑर्गेनाइजिंग दीज काइंड ऑफ ट्रैकिंग चीज़ें। तो कभी किसी ने अप्रोच नहीं किया कि तुम अब सोलली वॉलंटरीली ये सब चीज़ें करना चाहते हो? बहुत ने किया है, लेकिन हमें ऐसा लगा नहीं कि हमको अभी तक कुछ ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि हम अगर ज्वाइन करेंगे तो हो सकता है हमारा जो मिशन है, जो विजन है, वो चेंज हो जाए। तो इसलिए हमने अभी तक ज्वाइन नहीं किए, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में अगर हमको सही लगे, हमारे एक समान कोई लगे, तो हम शायद ज्वाइन करें। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अभी तक जो मेरा पर्सपेक्टिव है, मेरे को लगता है कि अभी नहीं करना चाहिए। ओके, आप कब शुरुआत करने वाले हो फिर से? अभी हम तो नागपुर में 1 हफ्ते का हॉल्ट किए थे, क्योंकि हमारा पीठ में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। तो उस नज़र, क्योंकि हमने बहुत दिनों से रेस्ट नहीं किया था, 2 महीने से
लगातार, क्योंकि रेस्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि आप वॉकिंग करोगे तो रेस्ट करना भी इंपॉर्टेंट है, तो हमने किए नहीं थे इसलिए हम रेस्ट कर रहे हैं. एक हफ्ते के बाद हम वापस छत्तीसगढ़ उड़ीसा की तरफ हमारी राह बढ़ाएंगे, फिर बिहार, झारखंड, सिक्किम, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट सिस्टर्स सब पूरा ट्रैवल करने की कोशिश करेंगे. हो सोली ट्रैवल करते हो या देर इज अ ग्रुप की किसी को ले चलते हो साथ में या साथ में जाता है कोई? नॉर्मली हम अकेले ट्रैवल करने में बिलीव करते हैं, क्योंकि हमने बताया जैसे अलग अलग इंसान, हर इंसान अलग है, हर उसका थिंकिंग अलग है, हर उसका चाल अलग है, तो जैसा मेरा चाल है हो सकता है उनका ना हो, इसलिए हम अकेले ट्रैवल करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं. लेकिन कोई अगर सीखना चाहता है हमसे कुछ तो एक दो दिन के लिए हरदम मोस्ट इनवाइटेड है वो लोग, तो अगर उनको कुछ सीखना है हम हरदम उनकी मदद करने को राजी है. ओके, क्या तैयारियां करते हो जब निकलते हो? क्योंकि कितनी सारी तैयारियां लगती होगी, हर चीज तुम्हें साथ में रखनी होती है. हाँ, क्योंकि क्या पता क्या जरूरत पड़ जाए, क्या पता वो वहां ना मिले. हाँ, है ना, क्या पता किसी से हेल्प ना मिले. हाँ, तो कैसी तैयारी रहती है तुम्हारी? तो हम तैयारी तो ऐसे कुछ खास करते नहीं है, क्योंकि हम बिलीव करते हैं मिनिमलिज्म लिविंग में, तो हम ज्यादातर कुछ बस एक कपड़ा रखते हैं, थोड़े बहुत एक दो कपड़े, साथ ही कंबल रखते हैं कि कभी ठंडी लगे तो वो काम आ जाए, साथ ही पानी की बोतल जो कि एकदम नेसेसरी है, क्योंकि मैं प्लास्टिक के अगेंस्ट में हूँ. मैं आज तक अपनी पूरी यात्रा में सिंगल यूज प्लास्टिक की बोतल एक भी खरीदा नहीं हूँ, और ना तो कोई दिया है तो मैं अडॉप्ट किया हूँ. तो मैं बस जो अपनी प्लास्टिक की बोतल नॉर्मल आती है, जो एक मोर लॉन्ग टर्म में यूज़ कर सकते बोतल, वैसी मैं यूज़ करता हूँ. सिंगल यूज प्लास्टिक बोतल में यूज़ नहीं करता हूँ. तो और खासकर बस नॉर्मल चीज़ें, फ़ोन है, पावर बैंक है थोड़े बहुत, साथ ही थोड़े बहुत जैसे इक्विपमेंट्स जो लगते हैं अपने को, शूज लगते हैं, चप्पल लगते हैं, बस उतना ही है, ऐसे कुछ खास चीज़. पढ़ाई में बीकॉम सेकेंड ईयर तुम ड्रॉप आउट हो? हाँ जी. पढ़ाई क्योंकि स्टार्टिंग जब तुमने की तब तुम पढ़ाई कर रहे थे? हाँ जी. राइट, जहाँ जहाँ थे वहाँ मैंने जितना तुमने बताया उतना तुमने, ये क्या था, तुमने किस तरह से पढ़ाई मैनेज की फिर? तो जब मैंने शुरुआत की थी तब मैं फर्स्ट ईयर बीकॉम में पढ़ाई कर रहा था, जीएस कॉलेज से ही कर रहा था. ओके. अपना जो सिविल लाइन्स में है, उसके बाद मेरे को लगा कि ये जो जर्नी है ये ज़्यादा एनरिचिंग है, इससे ज़्यादा सीखने को मिल सकता है हमें. इस वजह से हम ये जर्नी पे आए, इस जर्नी से सीखने का कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए हमने बीकॉम छोड़ दिया है. अब ये जर्नी में सोलरी बिलीव करते हैं, और जो भी ये जर्नी में और सिखाएंगी उसी चीज़ को मैं आगे अपनी जर्नी में, अपने जर्नी ऑफ लाइफ में कंटिन्यू करूँगा और सीखने की कोशिश करूँगा. ओके, सो यहाँ से अब कहाँ निकल पड़ोगे? चंद्रपुर. चंद्रपुर गढ़चिरौली, वहाँ का जो ट्राइबल एरिया है, वहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं उनको प्रमोट करना, उनके बारे में लोगों को बताना कि वो अभी भी सेफ है. नक्सलाइट लोगों को मदद करते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि वो हार्म करेंगे, और नक्सलाइट इतना एरिया बचा भी नहीं है अभी उधर, ऐसे लोग भी अब सुधर रहे हैं. तो मेरे को लोगों को प्रमोट करना है, अपने नागपुर को, अपने विदर्भ को भी प्रमोट करना है, क्योंकि बहुत लोगों को विदर्भ के बारे में मालूम नहीं है. विदर्भ में ऐसे ऐसे जेम्स है जो कि अनबिलीवेबल है. अब नागपुर को बोला जाता है द टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया, जो लोगों को बहुत सारे मालूम नहीं है. साथ ही ऑरेंज सिटी और बहुत सारी अन्य चीज़ें हैं जो कि नागपुर में बहुत मतलब वाइब्रेटिंग है, बहुत बहुत एक मतलब अमेजिंग चीज़ है जो कि लोगों को पता करना चाहिए. तो वही चीज़ बताने के लिए भी मैं गढ़चिरौली और जो ट्राइबल एरियाज है वहाँ पे जाऊँगा और लोगों को बताने की कोशिश करूँगा, उनको भी थोड़ा प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में एजुकेट करूँगा और मेरे जर्नी के बारे में बताऊँगा. हॉल्ट करने का इरादा है वहाँ? बिल्कुल, वहाँ पे हॉल्ट करेंगे हम, और उसके बाद फिर रिटर्न आगे निकलोगे? फिर हम आगे छत्तीसगढ़ की तरफ, फिर उड़ीसा की तरफ, जो भी नक्सलाइट एरिया है, जो भी ये ट्राइबल एरियाज है, यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे. लोगों इनके कल्चर के बारे में बताने का मेरा एक मेन पर्पस रहेगा. ये जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और झारखंड, बिहार, ये जो मेन जो चार पांच स्टेट्स हैं जो बहुत अंडर डेवलप बोला जाता है और बहुत कम लोग यहाँ पे टूरिज्म के लिए जाते हैं, इनको डेवलप करना, इनको टूरिज्म के तौर पे और लोगों को बताना, ये मेरा एक मेन पर्पस रहेगा ये जर्नी पे. ओके, और साइबेरिया तुम्हारा लास्ट मकसद है? बिल्कुल, तुम्हारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, यू हैव टू वॉक टू साइबेरिया, राइट? सो रोहन, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. वो कहते हैं ना कि मंजिल मिलेगी तू चल तो सही. मंजिल रोहन तुझे जरूर मिलेगी, तू चल तो सही, राह भी बनेगी, कुछ कर तो सही. बस रोहन, मैं उम्मीद करूंगी कि तुमने ये जो सपना देखा इतनी कम उम्र में तुम जरूर पूरा करो, और तुम बहुत सारे स्पेशल मोटिव्स के साथ चल रहे हो, वो तुम्हारे लिए पूरे हों, और यू विल बी एन इंस्पिरेशन टू ऑल द यूथ आउट देयर. तो जैसा कि आपने रोहन को सुना कि रोहन ने एक मकसद अपना बनाया है जिंदगी का, दैट ही वॉन्ट टू रीच साइबेरिया, वो भी चलते हुए. बहुत बड़ा और बहुत डिफिकल्ट सपना देखा है, लेकिन उसकी आंखों में वो जज्बा दिखता है. कहते हैं ना कि पंखों से कुछ नहीं होता, जज्बे से होता है, तो ये जज्बा उसमें दिखता है, और लगता है कि ये जज्बा बहुत लोगों को इंस्पायर भी करेगा. तो आज के रियल हीरोज़ के इस सीरीज़ में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और स्पेशल हीरो के साथ, तब तक लिए दीजिएगा इजाज़त. दिस इज़ मीनाक्षी साइनिंग ऑफ, देखते रहिए वीकेबी न्यूज़. नमस्कार.